पार्क कर लो। इधर साइड बिल्डिंग है एक, यहाँ पर रेस्टोरेंट और धर्म। हेलो जी, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो जरूर कमेंट करना। तो भाई आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लग रही है, और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और काफ़ी देर बाद मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पर आने नहीं दे रहे अंदर में, और आज मंगलवार है और भंडारा बहुत ही तगड़े में चल रहा है। पूड़ी सब्जी छोले पूड़ी एकदम ज़बरदस्त, और बाहर बाहर के श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, खा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भाई इधर आने नहीं दे रहे थे भाई, आधे घंटे से मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दिखाने के लिए। और ये सब मंगलवार को होता है, तो आप भी ज़रूर आएँ यहाँ पर एक बार, चेक करें और प्रसाद वगैरह ग्रहण करें। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और जो बाहर के श्रद्धालु आते हैं ना भाई, उस दिन आपका एकदम गोल्डन टाइम रहता है। आपको बाहर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, भोजनालय वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भरपेट खाओ यहाँ पर, महाप्रसाद जो है वो मिलता है। और अभी हम पहुँचे हुए हैं तुलसी उद्यान के पास, और यहाँ पर हम सीधे चलते हैं अंदर में, और यहीं पर ही भीड़ चालू हो जाता है। आधे घंटे पहले ही, आधे घंटे से मैं खड़ा हूँ लता मंगेशकर के पास, वहाँ पर भाई चेक बोरा एकदम बंद करके रखे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। अभी कंट्रोल हुई है तो इसलिए खोले है रास्ता ये, तो अच्छा लगता है देखने में। और दादाजी देख रहे हैं ऐसा ही, क्या बताऊँ, वो हेलमेट में ना ये कैमरे लगे हैं ना, तो इसलिए अजीब सा देखते हैं भाई, बहुत लोग अजीब सा, मुझे हंसी आ जाती है, एकदम घूरते रहते हैं भाई। कभी मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा, आप देखना ज़रूर, ऐसे घूरेंगे अजीब सा। और आगे देखते हैं, इधर इधर साइड अभी बहुत चीज़ है, देखो बहुत एकदम पूरा एकदम डेकोरेट तगड़े हुए हैं, मस्त लगता है देखने में, ज़बरदस्त। और बहुत ही अच्छे तरीके से वार्म कलर में पूरा सजा हुआ है अपनी अयोध्या नगरी। और बहुत ही कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, लेकिन आज मैं फिर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है भाई, भंडारे रहते हैं और डीजे भी बजते रहते हैं, हनुमान जी के गाने बजते रहते हैं, मज़ा ही आ जाता है। और इधर आप देखो, ये सब ज़्यादातर भोजनालय ही दिखेंगे आपको बड़े बड़े, इधर साइड दोनों साइड में ये चीज़ आप देख रहे हो ना पूरा, देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ वगैरह है। और आगे चलते हैं, पूरा आपको दिखाते हैं एकदम, ये देखो कैसे कट मार रहे हैं पुलिस वाले, ये देख रहे हो, ये UPSC, इनका सही से नंबर भी नहीं है, UPSC EJ EJ 8609। और भाई ये हेलमेट भी नहीं लगाए हैं, कट ऐसा मार रहा है, धुरंधर बने हुए हैं, देख लो महाराज जी को। और भाई ये कानून सिखाती हैं कि भैया हेलमेट लगाओ, देख लो अयोध्या के पुलिस वाले हैं ये, छोड़ो। और भीड़ आप देखते हैं, दिखाते हैं आपको भाई, गर्मी लग रही है अब भीड़ में, और दुकानदारों को देखो भाई, भाई बहुत ज़्यादा टूट गया था पूरा, आप देखो किस तरीके से फिर से रेनोवेट हुआ है पूरा, बहुत टाइम लग गया, साल भर हो गए, साल भर से पूरा बन रहा था ये। तो यहाँ पर फुटपाथ वगैरह का भी पूरा निर्माण हुआ था, लेकिन कोई एक सिंगल बंदा नहीं दिखता है फुटपाथ का यूज़ करते हुए, सिर्फ ठेला वाले रेडी वाले यही मतलब चाट फुल्की मोमोज लगाते हैं, तो फुटपाथ बनाने का कोई रीज़न ही नहीं था, ठीक है, कोई रीज़न नहीं था भाई, कोई मतलब ही नहीं है बनाने का, कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। बाकी इधर से हनुमानगढ़ी जा सकते हैं, रास्ता हनुमानगढ़ी जाने के लिए ना अभी बंद है, बाइक वगैरह नहीं जाती, पैदल जाती, क्योंकि रात का टाइम है और मंगलवार है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखो भैया यहाँ पर ऑटो वगैरह मिल जाती है हर जगह जाने के लिए, भाई यहाँ से ऑटो वाले से सावधान रहिएगा, और टू व्हीलर वालों से बहुत कट मारते हैं, बहुत ही आराम से चलना। बाकी इधर ये आप देखो, तो ऐसा है पूरा एकदम तगड़े में, देखिए अब यहाँ पे ना राम मंदिर जाने वाला रास्ता मिल जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगा है, बहुत ज़्यादा वाला। तो इधर आपको दिखाते हैं, और रात का व्यू भी चेक करो, बहुत ही अच्छा लगता है अयोध्या हमारा रात में, इधर देखिए मस्त है, मस्त है एकदम, झक्कास है झक्कास। तो और आगे चलते हैं, और भी दिखाते हैं आपको, इधर साइड आपको नए नए भोजनालय दिख जाएंगे, मोती फेवर और कुछ करके अलग अलग जो हैं आपको यहाँ पर भोजनालय वो देखने को मिल जाते हैं, इधर भी भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, और दुकानें पूरी एकदम मस्त सजी हुई हैं, और भंडारे भी तगड़े चल रहे हैं, बज रहे गाने, ओ रहा भंडारा हो या हो रहा भंडारा, ऐसा गाना सुनने को मिलता है मंगलवार को हमारे अयोध्या में।
देखिए देखो भैया ऐसा है, ड्यूटी चल रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी है भाई बहुत ज़्यादा। और गाड़ियाँ देख रहे हो फॉर्चुनर वगैरह कैसे यहाँ पर खड़ी कर दी हैं, मतलब अलाउड कर देते हैं अंदर आने के लिए, है ना। और किसी आम पब्लिक की होती अब तक ये उठा ले जाते। भेदभाव चल रहा है दुनिया में, कोई ना ऊपर वाला सब देखता है। और इधर साइड ये आ गया है राम मंदिर का जाने वाला रास्ता, जिसका नाम है अयोध्या जन्मभूमि पथ। और बहुत ही फेमस पथ है ये अयोध्या का। देख रहे हैं वो ग्रुप, देखो ग्रुप, ये सब ग्रुप में आते हैं बाहर के जितने हैं। और इधर साइड अब देखो पूरा भीड़ लगा हुआ, लाइन लगी हुई है अब जाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई यहाँ पे। राइड का व्यू अलग ही माहौल रहता है पूरा। और इधर साइड एक धर्मशाला है लेकिन भाई खाली आपको कभी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाइन लगानी पड़ती है। देखो इधर साइड बाहर के आते हैं बेचारे जो बेचने के लिए बहुत दूर दूर से, तो आप ज़रूर सामान ख़रीद लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पूरा दोपहर में भी लगे रहते हैं भाई, ख़रीदते रहे बेचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा समस्या है। और इधर साइड रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता है, तो हम इधर नहीं चलेंगे, इधर चलेंगे आगे। बाकी इधर भी देखो पूरा एकदम झकास वाला, यहाँ पर श्री राम हॉस्पिटल है इधर साइड, देखो अब भंडारा यहाँ दिखेगा, एकदम तगड़े वाला लाइट लगी है इधर साइड, इधर लाइट लगी है और इधर भंडारे हो रहे हैं, मस्त लग रहा है, एक नंबर का भाई भीड़ है। जय श्री राम, जय हनुमान, क्योंकि भैया आज है मंगलवार और आज भंडारे चल रहे हैं। जो बाहर के श्रद्धालु आते हैं तो आज यहीं खा रहे हैं, आज भोजनालय बंद है, आज भोजनालय में सेलिंग कम है। तो आगे चलते हैं ना, आपको एक बिल्डिंग दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा बहुत ही फेमस है, और वहाँ पर अपनी कार वगैरह पार्क कर सकते हो। और बहुत ही आसान रास्ता है अयोध्या का, सबसे आसान रास्ता है जो कि NH 27 से निकला हुआ है, और सीधे आपको कहीं भी नहीं मुड़ना है, कहीं भी नहीं। और आप 3 किलोमीटर दूर पर राम मंदिर है, सोच सकते हो हाईवे से 3 किलोमीटर राम मंदिर है तो कितना अच्छा रास्ता होगा। तो चलिए आपको वो रास्ता दिखाते हैं, इस ब्लॉग में ही दिखाएंगे, तो बने रहिएगा, थोड़ी सी वीडियो ये बड़ी हो जाएगी। और हम टेढ़ी बाजार पहुंच रहे हैं, यानी गुरु वशिष्ठ चौराहा। हमारे अयोध्या में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक, यहाँ पर भी भंडारा हो रहा है एकदम ललन टॉप वाला। अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, यहाँ से सीधा रास्ता 3 किलोमीटर है जो कि NH 27 है, तो हम यहाँ से चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, आपके लिए पूरा हेल्पफुल वीडियो रहेगा। देखो अगर आप वो हाईवे से आ रहे हो आपको यहाँ तक एंट्री मिल जाती है, यहाँ से के बाद ना एंट्री नहीं मिलती है। आपको दिखाते हैं, यहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ है, देखो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा हुआ है, यहाँ से ना आपको गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाने देंगे। तो आप ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग पे आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो, पैसा देकर बाइक गाड़ी जो भी मन कहे वो आप पार्क कर लो। इधर साइड बिल्डिंग है एक, यहाँ पर रेस्टोरेंट और धर्मशाला वगैरह दिख जाता है, बाकी इधर साइड वाले में आपको पार्किंग वगैरह दिख जाती है, और इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट और ऊपर आपको ना होटल वगैरह दिख जाता है, बहुत चीज़ है उसमें भी, पूरा मल्टी कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ से देखो सीधे आप चलेंगे इधर साइड, ये देखिए पूरा ज़बरदस्त लग रहा है ना ये बिल्डिंग, सॉरी ये फ्लाईओवर जो है, एक नंबर का फ्लाईओवर जो है वो बना हुआ है। और ये चेक करो भाई, मस्त लग रहा है। मस्त एक नंबर का है। देख रहे हो खतरनाक वाला पूरा सीन, अभी हम दिखाते हैं आपको पूरा, बने रहेगा इस वीडियो में पूरा। देखो पूरा लाइटें वगैरह लगी है ना, जबरदस्त
एक नंबर की लाइट लगी है। और मजा है ना, इस बाजार के पास ना आपके मोहबरा बाजार आ गए हैं। यहाँ बाजार में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 रुपए का समोसा। तो आप कभी इधर आओ ना, एक बार जरूर ट्राई करना भाई, बहुत ही अच्छा लड़का है। यानी भाई समझ सकते हो, वहाँ पर उनकी जो दुकानें थी वो टूट चुकी है, तो वो बेचते हैं भाई इतना कंपटीशन के हिसाब से ना भाई, 5 रुपए समोसा देते हैं, जो कि इस एकदम चौराहे पे आपको दिख जाएगा इधर साइड। मस्त 5 रुपए भाई समोसा देता है, एकदम दिल जीत लेता है, मज़ेदार। तो ये चीज़ आप देखिए, ये पूरा मोहबरा बाजार है, और ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हाईवे के पास, और आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा आसान रास्ता है श्री राम मंदिर जाने के लिए। ये वाला सबसे शॉर्टकट रास्ता है, और आराम से आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए आगे सामने ही आ गया है हाईवे, नेशनल हाईवे NH 27। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, आप जब अयोध्या जाएंगे उससे पहले ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर ज़रूर आए, ट्राई करें। यहाँ पर स्वस्तिक का अपना होटल है इधर साइड, तो बगल में ही हाईवे, हाईवे के बगल में ही स्वस्तिक का होटल है, और जस्ट बगल में ही आपको राम मंदिर मिल जाएगा। तो आप ज़रूर एक बार जाएं और ट्राई कर सकते हैं, और राम मंदिर यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 किलोमीटर अयोध्या राम मंदिर है। ये आ गया नेशनल हाईवे NH 27 सैनवा बाईपास। आप सैनवा बाईपास किसी से पूछेंगे तो वो बता देंगे, देवकाली बाईपास के आगे ही पड़ेगा आपको। ये चीज़ है पूरा ऐसा माहौल है हमारे अयोध्या का। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।